Clash of Clans. Hello guys. जय हिंद दोस्तों. My name is Borun. आप देख रहे हैं Clash of BM Gaming. आप सबका स्वागत है मेरे एक और Clash of Clans का वीडियो पर. आज मैं आप सबको दिखाऊंगा Clash of Clans का एक और mysterious and ghost ID. तो फिर चलते हैं उसके ID की तरफ. ये रहा ID, आप लोग देख सकते हो. अब चलते हैं इसके प्रोफाइल पर. ये रहा इसका प्रोफाइल, आप लोग देख सकते हो. पहले तो आप इसका नाम देखो. इसका नाम है Who Needs Defense, आप लोग देख सकते हो. और इसके बाद इसका लेवल देख सकते हो, मतलब XP. इसका लेवल है 82, मतलब 82, आप लोग देख सकते हो इसका लेवल कितना है. और उसके नीचे उसका टैग है, आप लोग देख सकते हो. और फिर इसका क्लेन देख लो आप सभी. इस क्लेन का लेवल ही 12 है, आप लोग देख सकते हो. और इस क्लेन का नाम है X23 वांटेड, आप लोग देख सकते हो. उसके बाद उसका रैंक देख सकते हो. उसका अभी का अनरैंक है, आप लोग देख सकते हो. लेकिन उसका ट्रॉफी है 703, आप लोग देख सकते हो. और उसके नीचे उसका ऑल टाइम बेस्ट ट्रॉफी है 1134, आप लोग देख सकते हो. और उसके नीचे उसका वार स्टार है, उसका वार स्टार अभी का वार स्टार है 579, आप लोग देख सकते हो. अब चलते हैं इसके टाउन हॉल पर. इसका टाउन हॉल का लेवल है 11, आप लोग देख सकते हो. टाउन हॉल 11 है. अब चलते हैं इस आईडी का मिस्ट्रियस चीज की तरफ. इस आईडी का मिस्ट्रियस चीज है, इस आईडी का एलिक्सर रूप एक भी अनलॉक नहीं है, आप लोग देख सकते हो. एक भी अनलॉक नहीं है, सिर्फ डार्क एलिक्सर का ट्रूप अनलॉक है, आप लोग देख सकते हो. आप सबको लग रहा होगा ये कोई ग्लिच है, लेकिन ये आईडी कोई ग्लिच नहीं है. ये आईडी ऐसा है, इसका एक भी ट्रूप अनलॉक नहीं है. ये आपको बाद में पता चल जाएगा वीडियो के आगे. अब चलते हैं इसके बेस के अंदर. अब देखते हैं इसका बेस में कोई ग्लिच है या फिर कोई घोस्ट है. ये रहा बेस, आप लोग देख सकते हो. इस बेस को देख कर लग रहा है ये बेस तो सच में एक मिस्ट्रियस चीज है, क्योंकि इस पे एक भी वॉल नहीं, एक भी वॉल नहीं और डिफेंडर्स नहीं है, आप लोग देख सकते हो. इसीलिए इस प्लेयर का नाम रखा है पुनेट स्टीफन, मतलब प्लेयर आईडी का. आप लोग देख सकते हो एक भी डिफेंडर्स और वॉल नहीं है. सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ. आप लोग देख सकते हो इस विलेज में सारे के सारे बिल्डिंग्स है, सारे के सारे बिल्डिंग्स ही रिसोर्सेज बिल्डिंग है, आप लोग देख सकते हो. सिर्फ एक डार्क बैरल है और एक लेबोरेटरी है, आप लोग देख सकते हो. ट्रूप ट्रेनिंग होने वाला एक और ट्रूप अपग्रेड करने वाला एक ही है, आप लोग देख सकते हो. और सिर्फ दो स्पेल फैक्टोरी भी है, आप लोग देख सकते हो. एक है एलिक्सा स्पेल फैक्टोरी और एक है डार्क एलिक्सा स्पेल फैक्टोरी, आप लोग देख सकते हो. तो और सिर्फ फोर्स बिल्डर हंट, आप लोग देख सकते हो. आप लोग ठीक से देख लो इस विलेज को. यही था आज का वीडियो, आज के लिए इतना ही. अगर आप सबको इस वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और इसे सब्सक्राइब जरूर से कर देना. अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.